एक फीलिंग है वो कोई नहीं डिस्क्राइब कर सकता, वो आपको कभी डोमेस्टिक खेल के कभी नहीं आने वाली वो जो फीलिंग है। सो कौन है जेबिस्ट और क्या रिलेशन है उनका नेपाल से, और क्या आने वाले टाइम में वो नेपाल के लिए खेलते हुए दिखेंगे, तो इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक डोज, और आज हम किसी टीम का एनालिसिस नहीं लेकिन एक प्लेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ, वो प्लेयर हैं जेबिस्ट। आजकल मीडिया में काफ़ी खबरें आ रही हैं जेबिस्ट को लेकर। जेबिस्ट एक राइट हैंडेड बैट्समैन और एक ऑफ ब्रेक बॉलर हैं जो कि मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडिया में, और उन्होंने मुंबई की टीम से रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को रिप्रेजेंट किया है, और वो एक ओपनिंग बैट्समैन है, और उसके साथ साथ वो अपनी ऑफ स्पिन बॉल से भी काफ़ी सही बॉल करते हैं, तो वो एक मोस्ट प्रोबेबली एक बैटिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में फिट आते हैं। और पिछले कुछ सालों से मुंबई को छोड़कर अब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड की टीम से खेलने का फैसला लिया था। अब उत्तराखंड को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल, आज के टाइम पे वो उत्तराखंड से खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी, तो सारी अपनी वो क्रिकेट मुंबई से शिफ्ट करके उत्तराखंड ले आए हैं, तो वो उत्तराखंड से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन में दे दूंगा कि वो उनका जो विकिपीडिया के अनुसार उनके जो लिस्ट के करियर्स के स्टैट्स होंगे वो मैं आपको इसमें डिस्प्ले में डाल दूंगा। सो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मुंबई से 2015 में, वो 2015 से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी मुंबई से खेलने के लिए। उन्होंने जो अपना ड्रेसिंग रूम शेयर किया है मुंबई का, उनमें से कुछ अभी क्रूशल प्लेयर्स जो अभी इंडियन टीम का हिस्सा हैं वो हैं पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, और आईपीएल के बड़े बड़े आदित्य तारे जैसे जो जैसे खिलाड़ियों के साथ वो अपना ड्रेसिंग रूम और उनके साथ वो खेल चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी टैलेंटेड वो एक बैट्समैन है, प्लेयर है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उनका नेपाल से क्या रिलेशन है। सो गाइज, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेबिस्ट हैं उनकी जो फैमिली रूट्स हैं, मतलब उनके पेरेंट्स, वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, नेपाल के धनगढ़ी शहर से जो कि सुदूर पश्चिम प्रदेश में है, और उनके जो फादर थे वो भी मुंबई के लिए खेल चुके हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी की टीम से खेल चुके हैं, तो वो फैमिली इंटरेस्ट ही है जो उनको आगे क्रिकेटर होने पे इन्फ्लुएंस करता है, तो उनके फादर का बड़ा रोल है उनके क्रिकेट में, उनकी क्रिकेट की ग्रोथ में। तो ये तो हुई उनकी पर्सनल कुछ और अपने उनके डिटेल्स, ये तो आप लगभग मैक्सिमम लोग सारे जानते होंगे, बट अभी कुछ दिनों से जो मीडिया में जो चर्चा ज़्यादा बढ़ने लग गई है नेपाली क्रिकेट, खासकर नेपाली क्रिकेट मीडिया में, कि जेबिस्ट का नाम काफ़ी आ रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है कि ये नेपाली क्रिकेट में कि ये नेपाल की टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नेपाल से खेल सकते हैं या खेलने वाले हैं, ऐसी कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आज हम वो रूमर्स भी हो सकते हैं या डायरेक्ट उन्होंने कुछ कहीं बोला होगा, पर मैंने भी ये काफ़ी उनके जो अकाउंट्स हैं उनमें मैंने खुद ढूंढने की कोशिश करी तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, बट फिर भी अगर कोई सोर्स हो सकते हैं कि उन्होंने किसी अंदर के सोर्सेज को अगर खबर मिली तो शायद हो भी सकता है, बट क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उनके पर्सपेक्टिव से नेपाल। सो गाइस, पहले तो ये, अगर वो नेपाल के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो वो बिल्कुल एलिजिबल हैं नेपाल से खेलने के लिए, बस उनको नेपाल की अपनी सिटीजनशिप बनवानी पड़ेगी जो कि उनके पेरेंट्स के थ्रू इजीली उनको मिल जाएगी। काफ़ी नेपाल के प्लेयर्स या नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया में अपनी पूरी लाइफ क्या बोल रहते हैं अपने वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए, सो उनको अपने पेरेंट्स के आधार पर इजीली सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो वो पासपोर्ट होल्डर बन सकते हैं नेपाल के और इजीली वो नेपाल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई पॉइंट रह नहीं गया कि वो नेपाल से खेल पाएंगे या नहीं या कुछ ऐसा, तो वो 100% नेपाल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ICC के इवेंट में नेपाल। तो बात ये आती है कि उनका जो रोल है वो नेपाल की टीम में क्या रहने वाला है, जो रोल वो जो जिस टाइप के, तो सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट नेपाल का अब तक रहा है वो है बैटिंग। तो गाइस, इससे अच्छा तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर कोई अपना एक प्रूवन, एक वेल एस्टेब्लिश्ड डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम करने वाले जो एक प्लेयर हैं जेबिस्ट, अगर वो आपकी टीम में आ जाए टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप के अंदर, तो ये मैं मानता हूँ कि ये आपकी सबसे अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी नेपाली क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये मतलब कि सबसे अभी तक का जो आपका एक बैकड्रॉप है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर जो हमारा रहता है बैटिंग के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ी कमी है, जो वर्ल्ड है, जो एक पॉइंट खाली है, तो उसको गैप को वो बिल्कुल अच्छी तरह से फिल कर देंगे। वो उस कैलिबर के बैट्समैन हैं कि वो अकेले अपने दम पे पूरा मैच अपने नाम पे कर सकते हैं, तो उनकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है नेपाली टीम के अंदर। तो उनका काफ़ी एक नाम, मतलब कि उनके जैसे प्लेयर की नेपाल को सख्त ज़रूरत है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी फ्यूचर में रहने वाली है। अगर वो नेपाल में अपने आप को ला के इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो ये उससे बढ़िया नेपाल के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता बैटिंग लाइनअप संभालने के लिए। उनके जैसे एक प्लेयर की बहुत ही कमी है टीम के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर जय बिस्ट टीम में आ जाते हैं, उनके अंदर भी उन गाइस, देखिए हर आदमी के अंदर एक कन्फ्यूजन रहेगा, वो कन्फ्यूजन शायद उनके अंदर भी है कि मैं नेपाल से अगर खेलता हूँ तो क्या मेरे को, एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको सोच के होता हूँ, तो क्या मेरे को वो रेगुलर क्रिकेट खेलने को मिलेगा या नहीं, क्या मेरे को उतना जितना मैं यहाँ पर वेजेस मेरे को मिल रहे हैं, जो मैं पैसा यहाँ पर कमा रहा हूँ इंडिया में रहते एक एस्टेब्लिश होने के बाद, क्या उतना पैसा मैं कमाऊँगा या नहीं। तो ऐसे कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्वियस ही बात है हर प्लेयर के माइंड में आते हैं। इतना इजी नहीं है किसी के लिए भी कि आप एक जगह अच्छी तरह इस्टेब्लिश, आप नाम बना चुके हैं और दूसरी जगह आपको अपना पूरा बेस ही चेंज करना है, आपको कंट्री चेंज करके जाना है, ये इजी नहीं होता। ये ज़्यादातर वही प्लेयर्स करते हैं, जैसे हमने अभी केस में देखा, सबसे बड़ा जो अभी केस हुआ इंडिया के पॉइंट से कि उन्मुख चंद वो यूएसए के लिए चले गए, उन्होंने अपना इंडियन पासपोर्ट को छोड़ दिया है, वो यूएसए की सिटीजनशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यूएसए से अपना क्रिकेट खेलना जाए। और नेपाल के लिए भी नरेश बुढ़ायर वो कैनेडा से खेलने चले गए हैं, तो ये सब चीज़ें प्लेयर्स करते हैं। जब अपने कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी लगे तो आप दूसरी जगह शिफ्ट होकर, ज़्यादातर एसोसिएट कंट्रीज़ के अंदर ये देखा गया है कि वो प्लेयर्स को दूसरे कंट्रीज से इनवाइट करते हैं या चले जाते हैं वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि उनको जो प्लेयर होता है उसको बस अपने क्रिकेट से मतलब होता है। कई प्लेयर्स को तो पैसों से भी उतना ही अपना ज़्यादा नहीं, बस उनको क्या है कि हमको रेगुलर एक क्रिकेट के आसपास ही हम रहें और क्रिकेट ही खेलते रहें। तो ये बात जो कन्फ्यूजन है ये हर प्लेयर के माइंड में रहता है। अब वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी एज ज़्यादा हो गई या वो छोड़ चुके हैं काफ़ी टाइम से खेलना, कोई डोमेस्टिक रणजी में खेलना गाइज इज़ द सेकेंड बेस्ट थिंग इंडिया के अंदर। आप अगर आप नेशनल टीम में नहीं हैं तो सेकेंड बेस्ट क्या हो सकता है, रणजी। तो वो रणजी अपना खेल रहे हैं, तो रणजी छोड़ना इतना इजी टास्क किसी के लिए भी इजी हो ही नहीं सकता एक रणजी, क्योंकि आपका वो एक बैकबोन है इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट का जो सिलेक्शन का एक प्रोसेस है तो उसका वो बैकबोन है रणजी। तो रणजी से ही जो इंडियन टेस्ट टीम की जो टीम बनती है वो सिर्फ रणजी की परफॉर्मेंस को देख के ही बनाई जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पर उनको कन्फ्यूजन रहने वाला है। सो गाइज अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो नेपाल से नहीं खेलते हैं तब वो क्या क्या चीज़ें मिस कर बैठते हैं, क्या वो चीज़ मिस कर देंगे आने वाले फ्यूचर में। तो अब हम उस पॉइंट्स पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहला जो मैं ये खुद का जो मैंने अभी तक उनका सारा करियर देख के कुछ पॉइंट्स मैंने ध्यान दिया, एक क्रिकेट प्लेयर के करियर का ग्राफ कैसे जाता है, तो उसको लेके मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे रिसर्च करके ये दो चार पॉइंट्स हैं उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उनके लिए वो है उनकी एज। उनकी एज हो चुकी है 26। 26 कोई छोटा नंबर नहीं है, वो यंग हैं, बट आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें, आजकल के जो प्लेयर हैं वो ज़्यादातर सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है आपका, अंडर 19 की टीम को ही फ्यूचर की टीम की तरह देखा जाता है। जितने भी आपके बेस्ट जो इंडिया को रिप्रेजेंट अभी कर रहे हैं तो वो हर समय इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, उन्होंने परफॉर्म दिया और वो अंडर 19 की टीम में रहते हुए ही एक दो साल के अंदर उनका टीम के अंदर सिलेक्शन हो गए थ्रू IPL। कुछ कुछ तो अंडर 19 जैसे ऋषभ पंत सबसे बड़ा एग्जांपल है, ईशान किशन सबसे बड़ा एग्जांपल है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है जो अभी लास्ट टाइम अंडर 19 की टीम रिप्रेजेंट करते एक दो साल में उन्होंने अपनी थोड़ी IPL की और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बेस पर उनको सीधा ही टीम में सिलेक्शन कर दिया गया। तो इंडिया की जो क्रिकेट है अब वो यंगस्टर की उनकी एज 19 से 22 के बीच में ही रह गई है, 21-22 मैक्स किसी भी एक प्लेयर को सिलेक्ट करने का, अनलेस कोई एक
एक एक्सेप्शन केस बहुत ही कम होते हैं सूर्य कुमार यादव की तरह, पर उन्होंने भी गाइज अपने 10 साल से ज़्यादा आईपीएल में प्रूव करके दिखाया है कि वो क्यों एक पोजीशन अपनी डिजर्व करते हैं टीम के अंदर। तो हमको ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको अपना फ्यूचर इंडिया में बनाना है तो करियर आजकल क्रिकेट आपको अर्ली स्टेज से ही आपको सिलेक्शन सेलेक्टर्स की नज़रों में आना पड़ेगा। सेलेक्टर्स की नज़रों में आके थ्रू आईपीएल आप एक दो साल में इम्प्रूव करके सिलेक्शन आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट जे बिस्ट के करियर में अभी तक उनका आईपीएल डेब्यू भी अभी नहीं हो पाया है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि अगर आप इंडिया खेलने की तरफ से देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी, अगर वो एक दो साल उनके और निकल जाते हैं तो 28-29 आफ्टर 30, तो ये समझिए कि क्रिकेट की लाइफ आजकल बहुत छोटी हो गई है। पहले के जैसा नहीं है कि आप 20-20 साल अब क्रिकेट खेल पाएँ। क्रिकेट की अब एवरेज लाइफ अब देखी जाए तो लगभग 10 से 15 साल के बीच में ही सिमट रह गई है, वो भी बहुत बढ़िया करियर माना जाता है अगर आपने 10 से 15 साल अपने कंट्री के लिए खेल लिया। तो खैर, सबसे बड़ा पॉइंट उनका एज फैक्टर है, उनकी उम्र 26 हो चुकी है और 26 की उम्र में आके मेरे को नहीं लगता कि अब उनको इंडियन सिलेक्शन या सेलेक्टर्स देख रहे होंगे उस पॉइंट की इंडिया में सेलेक्ट करें, अपनी जो मेन टीम है उनमें सेलेक्ट करें। बट जो दूसरा फैक्टर है वो मनी का है। मैं मान गया कि आपको इंडिया जैसे वेजेस और इंडिया जैसे पक्ष यहाँ पर नेपाल में मिलना मुश्किल है, बट अभी जो रीसेंट टाइम्स में जो ग्रोथ हुई है क्रिकेट की, खासकर नेपाल के अंदर, अभी हमने देखा जो हमारी ड्राफ्ट हमारा नेपाल T20 लीग का हुआ था, उसमें मार्की प्लेयर 15 लाख का एक डील हुई है। 15 लाख कम अमाउंट नहीं होता, ये एसोसिएट लेवल में मेरे ख्याल से तो हाईएस्ट होगा अभी तक जो उनको मिल रहा है। प्लस अगर वो नेपाल से खेलते हैं तो उनका करियर काफ़ी डाइवर्सिफाई करने का उनके पास चांस है। वो हर एक फॉरेन लीग में खेल अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल होंगे, जैसे संदीप ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, वो दुनिया के कोई से भी लीग्स खेल सकते हैं। आप नेपाल में नेपाल T20 भी अब थोड़ा इंटरनेशनल जो नज़रों में वो जाने वाला है, इंटरनेशनल सेलेक्टर्स की एक नज़रों में पड़ने वाली एक टूर्नामेंट बनने वाला है कि सेलेक्टर्स जो फ्रेंचाइजी लीग के होते हैं अलग अलग वर्ल्ड के कोने में, तो उनके सेलेक्टर्स की अब नज़र नेपाल की T20 लीग, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ भी आ रहे खेलने के। तो आप अगर नेपाल से खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपको वर्ल्ड के अलग अलग लीग्स खेलने का मौका मिलेगा, जो कि आपको इंडिया से खेलने पर कभी नहीं मिल सकता। अगर आप IPL भी खेल लेते हैं तो आपको BCCI NOC नहीं देती है कि किसी भी लीग्स में जाके खेलने के लिए। तो इंडियन प्लेयर्स को आपने कभी नहीं देखा होगा कि दूसरी लीग्स में BBL CPL ये कोई नहीं खेलता है, तो BCCI NOC कभी नहीं देखती है। पर नेपाल में ऐसा केस नहीं है, आप नेपाल में आइए, नेपाल से भी खेलिए और पूरे वर्ल्ड से भी खेलिए, आपको उस लेवल का एक्सपोजर मिलने वाला है जो कि आपको इंडिया में रहते हुए कभी नहीं मिलने वाला लाइफ। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में रहकर आप इंडियन टीम से खेल भी जाएं, चलो मान लिया, तो आपकी क्या गारंटी कि आपने कोई से भी ICC इवेंट्स में जो आपको रिप्रेजेंट करने को मिलेगा, आइदर T20 वर्ल्ड कप एशिया कप या कोई से भी जो इवेंट्स होते हैं ICC के, आपको क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। बट नेपाल में ऐसा नहीं है, आप ICC इवेंट्स में नेपाल को रिप्रेजेंट कीजिए, पर T20 वर्ल्ड कप में जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो होते हैं, तो ये वाले जो ICC के इवेंट्स होते हैं, इसमें आप किसी भी देश को रिप्रेजेंट करें, जो कर रहे होते हैं जो प्लेयर, उनके अंदर जो फीलिंग होती है वो दुनिया की किसी भी फीलिंग से बहुत ही ज़्यादा बढ़कर होती है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे ICC के इवेंट्स में, वो जो जर्सी लगाने का जो मज़ा है, तो ये सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं एज अ प्लेयर। अगर कोई अपने करियर को देखे, आपने काफ़ी सालों तक इंडिया में खेला, काफ़ी अच्छा किया, आप प्रूव कर चुके हैं अपने टैलेंट को, आप नेपाल में आके अपने अदर ऑप्शंस ट्राई कीजिए, आप इंटरनेशनल जाइए, आप अलग अलग लीग्स खेलिए, आप नेपाल के एक काफ़ी बड़े प्लेयर बन के रह सकते हैं। तो आप IPL में भी इधर आप नेपाल से जैसे संदीप ने खेला वैसे आप भी खेल सकते हैं, आपके पास भी चांसेस रहेंगे। सो ये सबसे बड़े जो फैक्टर्स हैं ICC के इवेंट्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वर्ल्ड कप में खेलना, तो ये मेरे को नहीं लगता कि इंडिया से उनको इतने चांसेस मिलेंगे, क्योंकि इंडिया का क्रिकेट इतना वास्ट हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि वो 130 करोड़ में से 11 प्लेयर छाँटने सबसे मुश्किल काम है इंडियन सेलेक्टर्स के लिए, तो वो सबसे बड़ा हेडेक रहता ही है। तो उसमें कॉम्पिटिशन भी उसी लेवल का, काफ़ी अच्छा टैलेंट पीछे रह जाता है उसमें, पर आपको एज अ प्लेयर अपनी आगे की लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाशनी ज़रूरी है। हम एज अ नेपाली फैंस सारे यही चाहते हैं कि जे बिस्ट नेपाल से खेलें, नेपाल को रिप्रेजेंट करें, और नेपाल की भी अभी की ज़रूरतों के हिसाब से वो एक परफेक्ट प्लेयर हैं ज्वाइन करने में। सो हमारा तो यही मानना है कि अगर आप उन्मुख जैसे उन्मुख चंद ने अपने
करियर को देखते हुए उन्होंने इंडिया से कोई, उनको दूसरा विराट कोहली बोला जाता कि विराट कोहली के बाद कोई टेक्निकली साउंड कोई प्लेयर अभी यंग टैलेंटेड है तो वो है मूलचंद। अभी देखिए वो क्या है, अभी वो टीम में उन्होंने तो कंट्री ही छोड़ दी, उन्होंने तो यूएसए चले गए। तो ऐसा कोरी एंडरसन के साथ भी हुआ, ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी नेटिव कंट्रीज़ को छोड़ के अगर वो उनके पास दूसरे कंट्री का ऑप्शन रह जाता तो वो वहाँ जाके बिल्कुल ट्राई करते हैं। सो ये एक जेब बिस्ट के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से उनको वो ले लेनी चाहिए और नेपाल में आके अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर आके आप इंटरनेशनली जा सकते हैं कहीं भी। सो गाइस, यही थे सारे पॉइंट जो हम जिस पे हम बात करने वाले थे। आपको क्या लगता है कि जेब बिस्ट को टीम में, नेपाली टीम ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो एनालिसिस और जो हमारी वीडियोज़ हैं आपको कैसे लगती हैं उसके बारे में भी मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का, आपके हर एक कमेंट पर रिप्लाई देने का। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।